अलवर में बुधवार को आए तूफान के बाद स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही। अलवर में तूफान के बाद चरमराई शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त होने में अभी और समय लगेगा। शुक्रवार को तीसरे दिन भी निगम कर्मचारी बिजली व्यवस्था को सुधारने में जुटे रहे, लेकिन उनके अथक प्रयासों के बाद भी लगभग आधा शहर बिजली को तरसता रहा। अब निगम अधिकारी शनिवार तक पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि शहर की विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी कालकुआ सहित साउथ वेस्ट ब्लॉक में बिजली व्यवस्था अभी पूर्णतया बहाल नहीं हो पाई है। इंदिरा कॉलोनी, इसकी मेघ, संजय नगर, स्वर्ग रोड, रत्ती का कुआं, 30 की बावड़ी, विकास पथ, नगर परिषद के आसपास का क्षेत्र और अशोकर टाके से शहर के कई इलाके अब भी अंधेरे में हैं। इस दौरान नए पदभार संभालने वाले जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी इस समस्या पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः जल्द ही बिजली पानी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। जी, 2 तारीख को जो तूफान आया था उससे काफी भारी संख्या में नुकसान हुआ है। चाहे हम बिजली का जो ढांचा है, पोल है, ट्रांसफार्मर है, GSS में काफी नुकसान हुआ और इसको दुरुस्त करने के लिए हमारी कोशिश ये रही कि अधिक से अधिक संसाधन लगाएं और बाहर से भी जो अपने ज़िले में संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ से मंगा के सारे संसाधन लगा के हम सुचारू व्यवस्था करें। आज हमारी कोशिश रहेगी, आज हमने और ज़िलों से और अधिक, कल जितने थे संसाधन आज उसे 3 गुना संसाधन हमने लगा दिए और शाम को 7-8 बजे तक जो बिजली है शहर की, अलवर शहर की, वो पूरी तरह सुचारू हो जाए, ये हमारी आज की प्राथमिकता है। और साथ साथ इसके साथ साथ पानी का भी जो है वो भी सभी ट्यूबवेल चालू हो जाए और पानी भी लोगों को सुचारू रूप से मिलने लगे। कल सुबह तक कोशिश है कि पानी भी सबको सुचारू रूप से मिलने लग जाएगा और बिजली का आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आज शाम तक सभी एरिया में 100% बिजली पहुँच जाए। विद्युत सप्लाई शुरू करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग शुक्रवार रात को लाल डिग्गी स्थित विद्युत निगम के कार्यालय और GSS पर पहुंचे। वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर विद्युत सप्लाई शुरू करने की मांग कर रहे थे। माहौल खराब होते देख पुलिस को मामले की सूचना दी गई। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया लेकिन लोग नहीं माने। बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग गिर गए और कुछ को हल्की चोटें आई। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया। वहीं शनिवार भी रूपबास हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया और शहर में बर्फखाना के समीप लोगों ने रोड जाम किया। इस दौरान शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाया।